मिस्टर ए ने 7 साल पहले एक्स वाई जेड डेयरी प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट की, जहां स्टार्ट करते समय फैमिली एंड फ्रेंड्स से फंडिंग मिली, जिसके बदले फ्रेंड्स को कंपनी के शेयर्स दिए एंड बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये टिपिकल प्राइवेट कंपनी सिनेरियो है। उसके 2 साल बाद बिजनेस नीड्स के लिए एक्स वाई जेड डेयरी प्रोडक्ट्स को एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल, जो कि स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं, उनसे फंडिंग मिली, जहां उन्हें भी फंडिंग के बदले कंपनी के शेयर्स मिले, बट स्टिल कंपनी प्राइवेट है। अभी उसके 5 साल बाद एक्स वाई जेड डेयरी प्रोडक्ट्स एक रिस्पेक्टेड ब्रांड बन गया है अपनी इंडस्ट्री में, तो इसलिए कंपनी ने अक्रॉस कंट्री बिजनेस एक्सपांड करने का डिसाइड किया। अक्रॉस कंट्री बिजनेस एक्सपांड करना है तो लार्ज फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए कंपनी के शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO थ्रू फंड रेज करने का डिसाइड किया। IPO मतलब जहां कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक को इशू करती है, सेल करती है। IPO में कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है और उन शेयर्स के बदले में लोगों से पैसा उठाती है। इस तरह कंपनी को फंड्स मिल जाता है और इन्वेस्टर कंपनी में शेयर होल्डर्स मतलब भागीदार बन जाते हैं, एंड इसी तरह प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। IPO लाने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कंपनी को। कंपनी IPO थ्रू लार्ज फंड रेज कर सकती है। शेयर प्राइस, शेयर वैल्यू डिसाइड होती है, जिससे करंट शेयर होल्डर उनकी थोड़ी बहुत होल्डिंग सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसे ऑफर फॉर सेल भी कहा जाता है। ब्रांड अवेयरनेस होता है, जिससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। IPO के थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे पब्लिक इशू करने के लिए कंपनी को बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। इसे इशू नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके वजह से कॉम्पिटिटर्स को बेनिफिट मिलता है। लेस कंट्रोल होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को वोटिंग्स राइट मिलता है। डिसीजन मेकिंग थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली प्राइवेट कंपनी। IPO प्राइमरी मार्केट का एग्जांपल है। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज जैसे कि न्यू शेयर्स और बॉन्ड इशू किए जाते हैं, इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। IPO में नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। IPO में शेयर्स के अलॉटमेंट होने के बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है। हम जो स्टॉक मार्केट टाइमिंग में शेयर्स बाय सेल करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट जैसे IPO थ्रू रेज किया हुआ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, जिसे कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताए हुए कामों के लिए यूज़ करती है। और जब शेयर सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं, तब पैसे और शेयर्स दोनों इन्वेस्टर के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिन्होंने Zomato के शेयर्स IPO से बाय किए थे, उन्होंने वो शेयर सीधा कंपनी से बाय किए थे, और बाय करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो सीधा Zomato को मिला। और जिन्होंने Zomato के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद खरीदे हैं, उन्होंने वो शेयर्स किसी और इन्वेस्टर से खरीदे हैं, और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो सेल किए हुए इन्वेस्टर को मिला है। जिस तरह आप सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से या मोबाइल एप्लीकेशन से शेयर्स बाय सेल करते हो, उसी तरह आप IPO में शेयर्स बाय नहीं कर सकते। IPO अप्लाई करने की प्रोसेस सेकेंडरी मार्केट से डिफरेंट होती है। IPO में शेयर्स कैसे बाय करना है, IPO कैसे अप्लाई करना है, और IPO अप्लाई करते समय कौन से पॉइंट चेक करना चाहिए और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, उसका डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो आपको इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना चाहिए। कंपनी के फंड्स रेज करने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना है, डेब्ट पेमेंट करना है, न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस लॉन्च करना है, एक्सेट्रा, और एनी अदर रीज़न हो सकते हैं जो कि आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको IPO लाने वाली कंपनी की सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कंपनी की बिजनेस डिटेल्स क्या है, कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रमोटर इन्फॉर्मेशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, पास्ट फाइनेंशियल डेटा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको सेबी की वेबसाइट sebi.goa.in पे मिल जाएगा। IPO 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बारे में बात करने से पहले IPO प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे। पहले कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर अंडररेटर्स को हायर करती है, जो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी की डिटेल्स कलेक्ट करता है एंड ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाता है, जिसमें कंपनी रिलेटेड सभी डिटेल्स जो पब्लिकली शो करनी होती है वो मेंशन की जाती है। समटाइम्स अंडररेटर्स अनसब्सक्राइब शेयर्स को सब्सक्राइब करने का प्रॉमिस भी करता है। और उसके बाद DRHP ड्राफ्ट ट्रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस SEBI को सबमिट किया जाता है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, जैसे कि रोड शोज वगैरह होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे कि म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा को अप्रोच किया जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फर्स्ट IPO सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होता है, उसी टाइम में आपको IPO के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। अलॉटमेंट कैसे होता है एंड उसका कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे आप एक बार गो थ्रू करना, और उसके बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं।
IPO टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मिलकर एक फिक्स प्राइस डिसाइड करती है एंड उसी प्राइस पे शेयर्स ऑफर करती है, आपको उसी प्राइस पे सब्सक्राइब करना होता है। एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने इशू प्राइस 100 रुपीज़ पर शेयर रखी है तो आपको उसी रेट पे सब्सक्राइब करना होगा। इंडिया में ज़्यादातर बुक बिल्डिंग इशू प्रेफर किया जाता है। बुक बिल्डिंग इशू में एक मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस बैंड डिसाइड होता है। एग्जांपल, जोमेटो का इशू बुक बिल्डिंग इशू था, 72 रुपीज़ एंड 76 रुपीज़ प्राइस बैंड था, जिसमें 72 रुपीज़ फ्लोर प्राइस और 76 रुपीज़ कैप प्राइस थी, जो कि कट ऑफ प्राइस होती है जिस पे रिटेल इन्वेस्टर को अप्लाई करना होता है। फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा 20% का डिफरेंस रखा जा सकता है। जोमेटो इशू में 5.26% का डिफरेंस था। IPO में आप जितनी मर्जी शेयर्स बाय नहीं कर सकते। कंपनी एक लॉट साइज डिसाइड करती है, आपको मिनिमम एक लॉट या उसके मल्टीपल्स में शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको कुछ क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट करना, वरना IPO अप्लाई कैसे करना है ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और IPO अलॉटमेंट प्रोसेस जानना है तो राइट वाली वीडियो देखना।